अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं कोई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आज हमने अजीब सी सस्ती शायरी बनाई है एनोनिमस की पब्लिक। पहले आपको सुनाएंगे हम सस्ती शायरी के। सर के नीचे होते हैं कान, शाहिद खान लाला है हमारे, ऊपर से शोर आया। सर के नीचे होते हैं कान, शाहिद खान लाला है हमारी जान, हमारा मुल्क है पाकिस्तान। ये हो गई एक लाइन। सर के नीचे होते हैं कान, शाहिद खान लाला है हमारी जान, और हमारा मुल्क है पाकिस्तान। वाह 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 वाह। जब भी हम जमा करते हैं कूपन्स, हमारा नहीं निकलता क्रेट से अच्छा सामान। सस्ती शायरी, लंबी शायरी, अजीब शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। तो एनोनिमस की पब्लिक, हम लोग खेल रहे थे डुओ स्क्वाड, और आज हमने फैसला किया ये जो है ना क्या बोलते हैं इसको, हम बोलेंगे खंडर। यस, हम खंडर में जा रहे थे, और खंडर में जो है ना वो जो आसमान में उड़ जाता है, मैं खेला काफ़ी बार हूँ बट मैं यहाँ गया नहीं, और जब भी गया मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, फिर बाद में पता चला ये आसमान में भी उड़ता है। तो हमने फैसला किया भाई हम भी आसमान में उड़ेंगे, देखेंगे कैसा गेम है ये, मतलब कैसी जगह है। फाइट लेते हैं, हॉट ड्रॉप भी होता है यहाँ पे, काफ़ी ट्राई की थी फिर ये वाला गेम प्ले बना था। और एनोनिमस की पब्लिक एक और रिक्वेस्ट करनी है यार आपसे, आप देख रहे हो ऊपर मेरे चैनल का नाम आ रहा है एनोनिमस 360। तो मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ, अपनी लाइफ दिखाता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने अपना गाँव दिखाया है। तो आप जाके व्लॉग्स वगैरह चैनल, व्लॉग वाले चैनल सब्सक्राइब करो, व्लॉग वगैरह भी देखो, आपको मज़ा आएगा, बहुत फनी है, मज़ा आएगा, मेहनत करता है आपका भाई। तो हम आ गए थे खंडर में, और जैसे उतरे यहाँ पे भाई बंदे काफ़ी थे, मैं भग लिया साइड में, मुझे यहाँ पे मिली पिस्टल, पिस्टल उठा ली मैंने। अब मैं भी अलग, मेरी टीममेट भी अलग, हम जो है फंस चुके हैं बुरी तरह, मुझे नहीं पता मैं जिंदा कैसे बचने वाला हूँ यहाँ पे। तो मैंने काफ़ी सोच समझ के देखा, जब कोई नहीं था तो मैंने दुड़की लगा दी बाहर, हमने कहा भागेंगे भाई, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, बाहर भागेंगे। और वो जो डायलॉग है ना मौत को छूके वाला, उसमें लाइक वो इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है ना कि हम उसका कुछ जुगाड़ करेंगे। जैसे कि हम बोलते ना कि मौत को छूके टक, हम सिर्फ ये नहीं बोलेंगे, ये थोड़ा गलत साइड पर आ जाता है, हम बोलेंगे खंडर में मौत को छूके, लाइक या पबजी में या खंडर में ऐसा कुछ ऐड कर देंगे। तो फिलहाल तो चलो ये बात बाद में करेंगे। टीममेट हमारी नॉक है, और मैंने उस बंदे को वहाँ पे गोली मारी, बट ये रीलोड लग जाती गन। तो हमें यहाँ पे क्रॉसबो मिला था जो कि बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, और फिलहाल मुझे लग नहीं रहा था कि मैं टीममेट को बचा पाऊंगा। फिलहाल मैंने इस बंदे को किया, अब बिलाल खान, बिलाल अली खान भाई को क्रॉसबो से फिनिश किया, और बंदे अब भाग रहे थे यहाँ से यासनाई की तरफ, बट उन पर क्रॉसबो ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं था। तो मैं देख रहा था कि कैसे भी करके टीममेट को बचा सकूं। फिलहाल ओपन में तो भाई को हमने यहाँ पे क्रॉसबो से डाउन किया, फिनिश करूंगा इनको। ओके, नीचे बॉट भी घूम रहा है, तो मैं भी तो फिलहाल टीममेट को बोल रहा था भाई यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा साउंड आ रहा था वहाँ से, ऐसा लगा हुआ था पूरी की पूरी लॉबी ही यहाँ पे उतरी है। तो ये मैंने पिस्टल की सारी गोलियाँ भाई को मारी, और वेट कर रहा हूँ कि जैसे अपने टीममेट को रिवाइव दूँ तो हम यहाँ से उठ के पीछे बैक साइड पे फॉल बैक करेंगे, क्योंकि गन दोनों के पास नहीं, उनके पास शॉटगन है, मेरे पास क्रॉसबो है, अच्छी गन भी नहीं है हमारे पास। तो अपना एनोनिमस के पब्लिक प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारा व्लॉगिंग चैनल, मैंने भी गाँव दिखाया और गाँव की एक और वीडियो इंशाल्लाह जल्दी पोस्ट करूँगा, तो सपोर्ट करना वहाँ पर भी। ये देखो ऊपर नाम आ रहा है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो एनोनिमस 360, तो आ जाएगा। तो गैस हमने यहाँ पे रिवाइव दिया, इतनी देर में टीममेट ने शॉटगन गिरा दी थी, और वो बंदे को मैंने क्रॉसबो मारा जिसने नॉक किया था टीममेट को, बट वो वापस से अंदर भग लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं तो नीचे आ गया, मेरे टीममेट फिलहाल फिर ऊपर, और जब तक मैं ऊपर पहुँचूंगा दोबारा से नॉक। नहीं मतलब क्या, ऐसे थोड़ी होता है बार बार नॉक, बार बार नॉक, और फिर हमारे पास गन भी नहीं थी, बट कोई बात नहीं, बचाना पड़ेगा। खाना वाना कौन, फिर खाना वाना कौन बना के देगा मुझे बताओ, बचाना तो पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात, हमें बॉट था तो बॉट ही ग्रेट लूटेंगे, और यहाँ से हमें मिल गई मिनी 14 चीनी मॉर्टीन। ओके गाइस, 10 बार बोल के दिखाओ, मिनी 14 चीनी मॉर्टीन, मिनी 14 चीनी मॉर्टीन। जिसने 10 बार बोल लिया कमेंट करना, मुझे नहीं लगता सारे बॉल आएंगे, जैसे कच्चा पापड़ पक्का पापड़ होता है ना, अटक जाओगे आप लोग पक्का, मुझे लग रहा है। तो नॉन स्के बोली दूसरी बार रिवाइव हो रहे हैं यहाँ पे, और अंदर पूरा एक स्क्वाड था, अच्छा स्क्वाड था बहुत, उसने क्या किया अंदर पूरा का पूरा खंडर जो है ना उसने वाइप किया, पूरे स्क्वाड ने खाली हो गया, अब वही स्क्वाड बचा था और हम लोग बचे थे बस। तो ये थोड़ी सी हमारे लिए परेशानी वाली बात थी, देखो ना हेलमेट है ना कोई एआर की गन है, काफ़ी बेकार लूट है। और अभी ना एक बंदा इनको ऊपर आएगा, आइए सर जी जल्दी आइए, आपका इंतजार हो रहा है। वो आया, आहा हा सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, तो हमने टक टक करके इनको कर दिया नॉक, और मैंने पश्तो में डायलॉग भी याद किया। यस यस यस, पश्तो में डायलॉग याद हो गया, पंजाबी में भी हमें याद हो गया। अभी एक और बंदे को नॉक करूंगा ना, फिर मैं पंजाबी वाला डायलॉग बोलूंगा जो मुझे बड़ा पसंद है, और मैं हमेशा बोला करूंगा पंजाबी डायलॉग, बलोची में भी बोलेंगे, सारी सारी लैंग्वेज में हम डायलॉग बोला करेंगे गाइस। तो फिलहाल अब मुझे आती नहीं है ना, तो मैं किसी से पूछूंगा, कोई अच्छा सा होगा ना जो आसान हो मुझे याद करने में, ईजी रहे, तो फिर वो डायलॉग बोला करेंगे। अभी फिर दोबारा से रिवाइव होकर मैंने बैंडेज वगैरह यहाँ पे गिराए,
बोला कि भाई हील कर अपने आप को, और इतनी देर में वो नीले कपड़ों वाला आ गया। तो जैसे ही वो सामने आया बाबा जी, हमें इसके बम पे लगाई और हमने बोला ना छेड़ मलंगा नू कुत्ते पैसन टंगा नू। वाह वाह, अनॉनिमस की पंजाबी चेक करो। ये मैंने स्कूल में एक मेरी उर्दू की बुक थी उसके अंदर एक चैप्टर था। ओके, यहाँ पे मैंने बंदा डाउन किया। मैं ये वाली बात आपको बताता हूँ, तो बंदा डाउन किया, मैं वापस से पीछे भग के आ चुका था और मेरी टीममेट आ गया। वो बंदे ऊपर से जंप कर करके टीममेट को मार रहे हैं। तो यहाँ पे अब इनके दो बंदे और बचे हैं और मुझे आ रही है नींद। तो टीममेट फिर से नॉक, लेकिन हमने उस बंदे को नॉक करके बचा लिया। इनका आखिरी बंदा कहीं और उतरा होगा। तो मैं कह रहा था गाइस मेरा उर्दू का ना एक बुक थी मेरी उर्दू की, पता नहीं कौन सी क्लास में, ये तो नहीं याद, लेकिन उसमें एक चैप्टर था, तो उसमें ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, लाइक ट्रक की पिक्चर थी, उसके पीछे लिखा हुआ था ना छेड़ मलंगा नू कुत्ते पैसन टंगा नू। तो हमने ये याद कर लिया बाबा जी, ना छेड़ मलंगा नू कुत्ते पैसन टंगा नू। कैसा? यस। और उसके बाद ये गाइस पजल सॉल्व कर रहे थे, क्योंकि ये इसके आरपी मिशन भी, और मैं आरपी मिशन करने रहा था फिलहाल, जो हो जाता गाइस मैं खुद नहीं करता। तो मैंने देखे थे मेरे काफ़ी ज़्यादा हुए नहीं थे, तो यहाँ पे मैं आरपी मिशन कर रहा था। फिर आके हमने ये वाले पजल सॉल्व किया, और इसके बाद इस क्रेट से हमें मिलती है कार 98। तो हमने फैसला किया कि हम बैरल गिराएंगे, कार 98 उठाएंगे, और यहाँ पे हम हवा में उड़ रहे हैं, मतलब आसमान में उड़िंग उड़िंग आपका अनॉनिमस। तो हवा में उड़ रहे थे, इतनी देर मैंने यहाँ पे कार 98 उड़ाई। जब हमारे पचिंग की यानी पिंडी के ऊपर हमने जंप कर दिया, और हम जा रहे हैं अनॉनिमस हाउस यानी स्क्वाड हाउस यानी अनॉनिमस हाउस। तो फ्लाइंग फ्लाइंग जाएंगे जाएंगे अनॉनिमस हाउस में, और यहाँ पे हमें लग रहा था कि बंदे होंगे पचिंग की, बट कोई था नहीं। तो आते आते मैंने गाड़ी देख ली थी, मैंने टीममेट को बोला भाई आप गाड़ी ले आओ, और वो गाड़ी में एक बगी वाला बंदा आ गया वहाँ पे। अभी देखो सारा डैमेज मेरा, और ये मैं अटक के गिर गया नीचे। नहीं मतलब क्या, पबजी के जो ग्लिच होते हैं ना, इतने फनी फनी ग्लिच होते हैं ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा अटका मारते मारते, और उन्होंने मुझे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। गैस कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि आप स्क्वाड हाउस में हो, और कोई बंदा आपका टीममेट आपसे अटक गया और आप स्क्वाड हाउस के बाहर आ गए हो? एक बार मेरे साथ ऐसे भी हुआ था। ओहो, तो हम ड्रॉप लूट रहे थे, इतनी देर में हमारे बम पे किसी ने गोली मार दी, वो भी ओम की AWM बाबा जे। जैसे ही हमारी बम पे लगी AWM, हमने भगाई अपनी मेहरान गड्डी हमने रोकी उनके बिल्कुल सामने, और हमने कहा बाबा जी अब तुम नहीं बचोगे, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़क अच्छे के लिए होगा, ऐसे तो हम तुमको ना ही छोड़ेंगे, तुमने हमारे बम पे गोली मारी, हम तुम्हारे बम पे गोली मारेंगे, तब जाके हिसाब बराबर होगा। तो न छेड़ मलंगा नू लगी नहीं कुत्ते पैसन टंगा नू। अच्छा, जिनको इसका मतलब नहीं समझ आया ना, उसका मतलब है कि मलंग को नहीं छेड़ो, तुम्हारी टांगों पर ना लाइक कुत्ते पीछे लग जाएंगे तुम्हारे। शॉर्ट में हम ऐसे कह सकते हैं, इसका ये मतलब है। तो हम पश्तो में बोला करेंगे मस्ती मकवा और गरीब तबाह दे, और भी थे, मतलब जितनी मुझे पश्तो आती है पश्तो बोला करूँगा, जितनी पंजाबी आती है पंजाबी बोला करूँगा, जितनी उर्दू आती है जितनी सिंधी आती है जितनी हमें बलोची आती है, हम सारी लैंग्वेजेस बोलेंगे। तो बाबा जी, उसके बाद मैंने अपनी एयर लेके रश किया, इसको तो स्प्रे करके डाउन किया था, दूसरा टीममेट इसका बच गया था, फिर मैंने रीलोड किया, मैंने धुड़की लगाई आगे। अब आपका अनॉनिमस आगे बढ़ता जाएगा और रुकेगा नहीं, और देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नड़क अच्छे के लिए होगा। ये बंदा भी डाउन किया बिन के, ओके ये तो किल मिला, ओके ये मरा नहीं था, मुझे लगा कि बंदा ऑलडेड हो गया, तो ये बाद में मेरी बेइज्जती हुई, ऑलडेड नहीं हुआ था वो बंदा, उसका टीममेट मरा था। अब एडिटिंग कर रहा हूँ ना, अब पता चला मुझे। तो बाबा जी, मैंने यहाँ पे रश किया, इस बंदे को किया डाउन मजे से, और यहाँ पे हमने मारने के बाद जंप किया, जंप करके स्पॉट करने का ट्राई किया था। जैसे मुझे वो बंदा नजर आता है, मैंने पे स्प्रे दिया, बट वो पेड़ के पीछे जा चुका है, और नॉक वाला मेरे सामने आएगा। तो इस बंदे को मैंने पे फिनिश किया, मेरे टीममेट ने नॉक किया था इसको। बाबा जी, यहाँ आखिरी बंदा हमने जो है उसके बम पे लगा के उसको यहाँ से भगाया, और हम मजे से करेंगे लूट। यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी लूट मिली थी हमें एनोनिमस की पब्लिक, यहाँ पे आम थी वो भी दो दो ग्रोजा थी, और क्रेट में इतनी लूट देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, बिकॉज हम भी इस गेम में होते हमें लूट मिलती। दो दो M24, दो दो AWM, ग्रोजा, ATAX, पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी लूट थी, ये लोग लूट लेके घूम रहे थे, बड़ी VIP। तो बाबा जी, उसके बाद हमने अपनी मेहरान गड्डी उठाई और भगाई, और हम यहाँ पर आए थे, काफ़ी दूर आ गए थे वहाँ से, और यहाँ पे हमें ये वाला स्क्वाड नज़र आता है। मेहरान गड्डी मैंने कवर में रोकी, आपको भी कवर में रोकनी चाहिए वरना आपकी बैंड बच जाएगी। और फिर हमने रश किया, ये भाई साहब आ रहे थे, इनको किया डाउन। अब मुझे आता है थोड़ा सा आगे से साउंड, करोना नाम था उसका, करोना 2020, और राजा उस्मान भैया को हमने पे नॉक किया। यहाँ से एक और भाई का साउंड आया। तो बाबा जी, ऐसे कैसे मस्ती मकावा जामड़ा कोर्तजा,
और सिंधी मुझे थोड़ी थोड़ी आती है। उसमें था, तुंजो नालो छाए मैं आपका अनोनिमस भाई, वाह 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 वाह, सस्ती बातें विद अनोनिमस। तो उसके बाद गए हमने यहाँ पे लूट की मजे से, और लूट करने के बाद हम जैसे ही जा रहे थे, सर्कल काफ़ी छोटा है तो मैंने ओम निकाली, यहाँ पे जंप किया और मैं यहाँ पे स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था कि और बंदे नजर आए। उतनी देर में ना मेरे टीममेट को आता है कि एक बंदा क्लोज है, मैं जैसे देखता हूँ सामने ये बंदा यहाँ पर आए खड़ा होता है, पता नहीं शायद से बॉट था। अब पबजी वाले ना एंड में बॉट भेजते हैं, तो हमने नॉक किया उसको, यहाँ पे फिनिश किया। नहीं ओके, रियल था ये, फलक गुज्जर नाम है भाई का, रियल था। अभी एक इनका एक बंदा ना पीछे दरख्त पर रुका हुआ था, मुझे फिलहाल वो नज़र नहीं आया था, बट जब टीममेट मार्क करके बताया तो मुझे नज़र आया कि वो कौन से दरख्त के पीछे है। तो मैंने किया रश करने का फैसला, अपनी M4 निकाली, उसमें लगाया 4x और स्प्रे किया, लेकिन वो बंदा अच्छा खेल रहा था, कवर में जा रहा था, ओपन नहीं आ रहा था, मैं स्प्रे कर रहा था बट वो बंदा चांस ही नहीं दे रहा था कि वो जो है मैं उसको नॉक कर सकूँ। उसने फ़ौरन से दो दो स्मोक की, भाई अकल इस्तेमाल कर रहा है, अकल इस्तेमाल करो बाबा जी, बट कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी बाबा जी। तो दुड़की लगा रहे हम, ना हारे हैं ना हारे हैं, टक करके तुम्हारी बम पे गोली मारे हैं, कितनी बकवास बातें विद अनोनिमस। ओके ऐसा हो सकता है, ना हारे हैं ना हारेंगे, टक से तुम्हारे बम पे गोली मारेंगे, वाह 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 वाह। तो गाइस हम इसको स्पॉट करने का ट्राई करते कि भाई गया कहाँ, इतनी जल्दी गांव गायब हो गया, गाड़ी भी नहीं थी इसके पास। और जब हम करा था तो वो देखो गाइस यहाँ पे मुझे नजर आया, बट मैं जब गेम में था ना मुझे नजर नहीं आया, एडिटिंग के टाइम आया, उसने अचानक से मेरे बम पे गोली मारी और मैं लेट गया, फौरन से खड़ा हो गया और अचानक से हिलजुल के मार दिया। ये डरा हुआ था तो इसलिए बेचारा जो है ना काफ़ी घबराया हुआ था, सांप बन गया। इस भाई को किया फिनिश, अब रह गए थे 7 अलाइव, जिसमें से 2 बंदे हम हैं, बाकी बचे 5। और यहाँ पे हम स्पॉट करते हैं अलग टीम, इसको मारा मिस हो गया, टक करके लगाया नॉक किया डेंजरस जैरी को, और डेंजरस जैरी को फौरन से फिनिश भी करेंगे। ना हारे हैं ना हारे हैं, नहीं गलत हो गया, अभी आदत नहीं है ना, ना हारे हैं ना हारेंगे, टक से तुम्हारे बम में ओम मारेंगे। और ये भाई को यहाँ पे दोबारा से डेंजरस टॉम, ओके पूरा डेंजरस क्लैन है, डेंजरस जैरी डेंजरस टॉम, 2 बंदों को हमने यहाँ पे डाउन किया। अब अनोनिमस की पब्लिक बचे हैं 3 बंदे और, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी हम हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बंदे को स्पॉट किया, ये हमारे अनोनिमस की पब्लिक से जंप कर रही थी, जंपा के जपा ढिंगचम ढिंगचम जंप कर रहा था भाई, अब 2 तो भाई जंप करते हैं। यहाँ पे एक बॉट स्पॉट हुआ, मुझे लगा इनका टीममेट है, पहले तो मैंने मारा नहीं, जब देखा कि वो मारने जा रहा है मैंने शॉट लिया बट मिस हो गया, मैंने शॉट लिया और मिस हो गया, और वो भाई टीम मतलब भाई को किल चला जाएगा वो। उसके बाद भाई हमने कर दिया था ऑल पे माइक, और हमारे भाई लोग आ रहे थे भग के हमारी तरफ। तो फिर से मैंने सोचा, मैंने कहा ये ना हो ये फिर से हमारे धोखा कर दें, क्योंकि मैं अक्सर अनोनिमस की पब्लिक को चिकन दे देता हूँ। तो मुझे इन्होंने अपना सामान वगैरह गिरा दिया, और फिर मैंने फैसला किया, मैंने बात बात की भाई लोगों के साथ पहले, तो हाँ ठीक है हम लोग। तो मैंने मैंने फिर फैसला किया कि भाई चिकन देना चाहिए भाई लोगों को। तो मैंने फौरन से टीममेट को साइड पे बुलाया और हम दोनों ने एक दूसरे को कर लिया नेड, और चिकन चला गया अनोनिमस की पब्लिक के पास। कोई बात नहीं यार, ऐसे तो मुझे मज़ा आता है वैसे, दिल से अच्छा लगता है कि आप लोगों को चिकन दे दिया हूँ, मैंने खा के क्या करना है। तो बाबा जी ये वाला मोड हम लोग खेले थे वो भी टीममेट की वजह से, तो स्टार्ट किया इसमें, मुझे पता नहीं था करना क्या है, फिर बाद में पता चला कि नेक्स्ट वेपन आपकी आ जाती है वहाँ पे, और आपको 18 बंदे मारने सब अलग अलग वेपन से। तो हमने पहले वेक्टर से मारा, उसके बाद हमारे पास उजी आ गई, उजी निकाली, काफ़ी हेल्थ कम हो चुकी है, रीलोड करेंगे। ये पीलिया भैया आ रहे हैं, पीलिया भैया को फिर उजी से मारा, अब हमारे पास आ चुकी है UMP, ओके बाइजन है, तो बाइजन से मारा, फिर आ गई है AKM, AKM से मारा, उसकी हेल्थ कम थी, वो एक गोली में मर गया लॉल, एक दो गोली में। हमारे पास M4 है, और M4 लेके मैं नीचे आ गया था, इतनी देर में मुझे साइड से पड़ती है, और ये गैस मैंने इसको मारना छोड़ दिया, मुझे लगा ये मर गया, और ये मेरी बेवकूफ़ी थी, स्किट मार के फिर साइड में गए हम लोग, और यहाँ पे मैंने भाई को मारने की कोशिश की बट हमारे बम में लग गई गोली। कोई बात नहीं अनोनिमस की पब्लिक, फिर हमारे पास M4 है, और आगे अच्छा नेक्स्ट वेपन दिखा रहे कि ऑग आएगी, और ये हमने किया डाउन M4 से, ऑग हमारे पास है, और ये हमारी बच गई बैंड, दो दो घूम रहे हैं यहाँ पे, मुश्किल है थोड़ा सा। और मैं अपनी टीम में आगे था, मैंने 5 किल कर लिए थे, एनिमीज की टीम ने भी 5 किल कर लिए थे, जो उनमें सबसे आगे था उसने भी 5 किए थे, मैंने भी 5 किए थे, मुझे अपनी टीम को जिताना था। तो यहाँ पे मैंने DP आई मेरे पास, और यहाँ पे DP से मरने वाला हूँ मुझे लग रहा है, हाँ मैं यहाँ पे DP से मर गया, क्योंकि उसके पास उजी थी, और उजी पावरफुल होती है, जल्दी मारती है,
तो मैं डीपी से मर गया और फिर डीपी लेके दोबारा आगे गया। हर बार तो नहीं होता बाबा जी, ना हारे हैं ना हारेंगे, टक से डीपी से तुम्हारे बम पे गोली मारेंगे। और अब ये कौन सी गन मिल गई, म्यूटेंट मिली थी और मैं म्यूटेंट लेके जंप किया और म्यूटेंट से डाउन किया। फिर हमें मिली मिनी 14 चिनी मोटीन, तो हमने भी मिनी 14 चिनी मोटीन से बंदा डाउन किया। और अब हमें मिली M24, ये हमने M24 से डाउन किया, ये तो हमारे लिए ईजी था। फिर हमारे हमें मिली SLR, SLR लेके आए, ढमचम कर रहे हैं बट वो कोई मर नहीं रहा। और रिलोड करेंगे अपनी SLR और फिर ऊपर जाएंगे। और ये हमने SLR से मारा, लेकिन इतनी देर में उस बंदे ने मुझे बायजन से भी मार दिया। अब हमें मारना है S12 के से, और नेक्स्ट गन है DBS। और मेरे 12 किले अपनी टीम की तरफ से आ गए हूँ, वो बंदे के 11 किले वो अपनी टीम की तरफ से आ गया। तो मैं लेट के देखो शाम बन रहा आपको अनोनिमस यहाँ पे भी। आ हा, वाह 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 वाह। तो यहाँ पे मैंने S12 से बंदा मारा, अब हमारे पास है DBS, DBS से बंदा मारना है, उसके बाद पिस्टल आने वाली है लॉल। तो यहाँ गोली लगी बट वो मरा नहीं। और रिलोड करेंगे अपनी DBS। कब तक नहीं मरोगे, कभी तो आओगे, आजो आजो। ऊपर जाएंगे, अटक गया लॉल। और ऊपर जाके हमने थोड़ा सा वेट किया था यहाँ पे, बंदा पता नहीं आ गया। ओके ये हमने DBS से मारा, नेक्स्ट गन आ गया हमारे पास पिस्टल, और यहाँ हम पिस्टल से मरने वाले हैं। कट्टा इतनी आसान आराम आराम से चलता ना, टक 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 टक, घोड़े की तरह चलता है ये। तो हम इससे मर गए। उसके बाद हमने इसी पिस्टल से यहाँ पे बंदा मारा जो कि ये लो होके आया होगा आगे से, तो हमने इसको मार दिया। अब हमें मिली थी स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन से बंदा मारना था, मैं अपनी टीम की तरफ से आ गया हूँ लेकिन वो बंदे मुझसे भी आ गए हैं। तो यहाँ पे मुझे जल्दी करना पड़ेगा। एनिमी ने 16 किल किए हैं, मैंने भी 16 कर लिए, और यहाँ पे मैंने जल्दी से कर लिए 17। अब मुझे सिर्फ पैन से बंदा मारना है। वो बंदा मुझसे थोड़ा सा पीछे है, पहले आगे था एनिमी वाला, अब पीछे है। और यहाँ मैंने निकाला पैन और ये मेरी बैंड बच गई भाई। उसके पास ऑग है, मेरे पास पैन है, कैसे जीत सकता हूँ। पैन लेके आपका अनोनिमस बढ़ रहा है आगे, देखी जाएगी जो होगा, अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, टेंशन नहीं लेनी। आगे लेके जा रहे हैं हम लोग पैन, और पैन मेरे पास है। बाबा जी आइए आइए, कोई तो आइए, नहीं नहीं अभी आगे नहीं जाऊंगा। ओहो हो, हेल्थ गई, लेट गए, जिंदगी खतरे में है। और मड़ा मस्ती मक्का हुआ, हमने जंप किया नीचे, और यहाँ पे एक बंदा हमें मिलेगा पिस्टल वाला। फिर मैंने फैसला किया भाई इसको मारना तो आसान है, इसको हम मारेंगे, इसकी बैंड बजाएंगे। हम यहाँ पे हमें मिली विक्टोरी, उसके 16 किल थे एनिमी वाले के, मैंने कर लिए 18। तो गैस वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में बताना। मेरी कोई बात बुरी लगती है तो माफ़ कर देना, अच्छी लगती है तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ ये आप ऊपर नाम देख रहे हो यार, इंस्टाग्राम का और सेकंड चैनल का, दोनों को सब्सक्राइब कर लेना, मज़े मज़े की चीज़ें आती रहती है यहाँ पर भी, थोड़ा एडिटिंग में भी टाइम लगता है, तो प्लीज़ लाइक वाइक किए बगैर मत जाना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू अनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।